कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, वो बनेगी, बनती रहेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी बराबर खत्म करो, खत्म करो। अच्छा, बहुत हो गई गुंडागर्दी बीजेपी की। अब कांग्रेस आना चाहिए और अच्छा विकास होना चाहिए। बहनों भाइयों सुन लो, कर लो, ये सब बेकार बातें हैं। भाई मोदी कह रही है हम काला धन लाएंगे, कहां है काला धन? हम गरीबों का किया, उन्होंने 16-16 लाख रुपए डाली है, कहां है 16-16 लाख रुपए? काला धन वापिस लाऊंगा, काला है काला धन। तो लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है। बदलाव, राहुल की सरकार आएगी पूरी, पूरे मध्य प्रदेश में राहुल की सरकार आएगी। मोदी ने कह दिया सीएम नहीं बनेगा मामा, हाँ कह दिया मोदी ने, खुल के टिकट नहीं मिलेगा। अब सीएम जो है सीएम नहीं बनेगा मामा, मामा खुद कह रहा है, जनता से मामा सवाल कर रहा है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। रात के समाचारों में देखा है कमलनाथ सीएम बनेगा यहाँ पे, कमलनाथ सीएम बनेगा यहाँ, बीजेपी तो गई, कमलनाथ बनेगा सीएम। मामा कोई अच्छे काम नहीं करता, मामा कह रहे थे 450 की टंकी मिलेगी, टंकी लेने आ तो कहते 920 रुपए जमा करो, 3 दिन से भी परेशान हो रहे थे, वहां पे चक्कर लगा रहे थे कि लगे 450 की कोई टंकी नहीं है। और बनेगी कांग्रेस की बनेगी सिर्फ, ये किसी बीजेपी वालों की नहीं बनेगी। तो आज हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल के अभी हम मध्य विधानसभा में हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, और आपके जो विधायक जी हैं आरिफ मसूद, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा, जनता के मन में क्या है, जनता से हम बात करेंगे। क्या लग रहा है सर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, क्या होगा इस बार, क्या होगा इस बार? जो होगा है आरिफ मसूद की जीत होगी और सरकार की जीत होगी। और आरिफ मसूद वो आदमी है, आधी रात के जाओ तो खड़ा रहता, साथ बच्चों के साथ हो या बड़ों के साथ हो, आधी रात के भी आएंगे तो पटिए पे बैठा हुआ मिलेगा आरिफ मसूद। और आरिफ मसूद वो आदमी है, लॉकडाउन के अंदर 5-6 कैंटीन खोल के रखा था, लोग नेता लोग जो थे सब घरों के अंदर बैठे हुए थे, और एक आरिफ मसूद ऐसा सख्त आदमी था जो लोगों के घरों में खाना बांटा उनने। आरिफ मसूद जो है वो आरिफ मसूद है, आधी रात के भी अगर हम उसके घर जाएंगे तो साथ हो जाता कड़ा। अच्छा, तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार बनेगी कांग्रेस की बनेगी सिर्फ, ये किसी बीजेपी वालों की नहीं बनेगी। आरिफ मसूद भी जीत तो आएगा। अच्छा, तो 5 साल से आप लोग का विधायक है आरिफ मसूद जी, कैसा कार्यकाल है उनका? आरिफ मसूद का एक नंबर का काम है, आधी रात के चले आओ, साथ है दुख तकलीफ में परेशानी में सब में साथ देता है आरिफ मसूद, आधी रात के भी अगर उसके घर चले आएंगे तो खड़ा हुआ है। अच्छा, आरिफ मसूद ने जो है हमारे क्षेत्र में कोई से जिस पार्टी लगता है आरिफ मसूद का उस क्षेत्र में, नए भोपाल में चले आओ, नए भोपाल में भी हिंदू हो या मुसलमान हो सब साथ देते हैं आरिफ मसूद का, सबका विकास करता है आरिफ मसूद, या हिंदू हो या कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, सबका विकास करता है आरिफ मसूद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? सिर्फ कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। क्यों मामा जी अच्छे तो काम कर रहे हैं ना? मामा जी अच्छे काम नहीं करते, मामा कोई अच्छे काम नहीं करते, मामा कह रहे थे 450 की टंकी मिलेगी, टंकी लेने आ तो कहते 920 रुपए जमा करो, 3 दिन से भी परेशान हो रहे थे, वहां पे चक्कर लगा रहे थे कि लगे 450 की कोई टंकी नहीं है, कागज ला, पेपर ला, ये ला, मामा तो चूतिया बनाने वाला काम है, लाडली बहने है, जेल लाडली बहने जिनकी लाडली योजना है उनको ही मिलेगा 450 का सिलेंडर, नहीं तो सबको वही है 950-920। मोदी ने टंकी वाड़ी है वो 450 की मिलेगी, मोदी वाली भी 450 की नहीं मिल रही, मामा तो चूतिया बना रही है, मामा का चूतिया बनाना काम है। वो माँ यहाँ तो कहते 920 रुपए जमा करो, 3 दिन से भी हम परेशान हो गया, 920 की टंकी आएगी, 450 की कोई टंकी नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ पे आओ, आप क्या सोच रहे हैं सर इस बार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस ही आएगी साहब। अच्छा, काम ही अच्छा कर रहा है। क्यों मामा, भाजपा तो अच्छी काम कर रही है। अरे कुछ अरे मिर्चे डाल लिया आंखों में मामा, मामा मिर्चे डाल लिया, झूठी झूठी बातें कर रही है। क्या लग रहा है सर आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, आरिफ मसूद जी हमारे जो मध्य विधानसभा के विधायक हैं, अच्छा काम कर रहा है और सबके साथ रहते हैं, सबसे सब में आगे रहते हैं। और ध्रुव नारायण जी जो है वो तो आते नहीं है ना, कभी देखा हमने, वो तो बस चुनाव के टाइम आ गए चले गए। और सीएम साहब भी हैं, घोषणा जो उन्होंने लक्ष्मी लाडली बहना योजना की जो उन्होंने घोषणा करी फॉर्म डेट, तो उसका पता नहीं है, मेरी 5-6 बार गया वहाँ पे, कुछ लेडीज वगैरह थी, कुछ पता ही नहीं डेट का। राशन भी तो बट रहा है ना, 5-5 तो राशन का बट रहा भाई, राशन लाभ से क्या होगा? राशन लाभ में कुछ लोग शामिल है, कुछ लोग शामिल नहीं है उसमें, ऐसा भी ऐसे इन्होंने भाई साहब ने कहा है, सीएम साहब झूठी घोषणा कर रहा है।
नहीं आ रहा सामने, तो ऐसे ही है भाई। जो अभी जिस पोजीशन में आज की डेट में देखा जाए, जो विधायक जी काम कर रहा है, जो अपने विधायक है, अपन उस कैंडिडेट को पकड़ के चले, उससे आने वाला फ्यूचर आगे का होगा, ऑब्वियसली अपना जो काम है वो होगा। भाई हम ऐसे युवा हैं, वो लोग भी है, बेरोजगार है, बहुत परेशान है भाई। इन सबको ऐसे सब मिलकर काम होने चाहिए, एक दूसरे सहयोग से काम चलता है। ऐसे अभी भाई ने उन्होंने ये बात करी, सही बात करी, गलत बात नहीं करी, यही मेरी भी यही राय। देख नहीं रहे भाजपा तो सांसद मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। देखिए वो तो आप सही कह रहा हूँ, एक टिकट नहीं मिलने वाला, क्या कर रहे हैं, मामा को भी टिकट नहीं मिल रही। मोदी ने कह दिया सीएम नहीं बनेगा मामा, हाँ कह दिया मोदी ने खुल के, टिकट नहीं मिलेगा अब सीएम जो है सीएम नहीं बनेगा मामा। मामा खुद कह रहा है, जनता से मामा सवाल कर रहा है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। रात के समाचारों में देखा है, और तो 18 घंटे काम कर रहे हैं 18 साल। अरे 18 घंटे, वो आधा घंटे काम नहीं कर रहा ना मामा ना मोदी, वो तो सब लूटम लाठी वाले लगे हुए हैं। ये जनता जो बर्बाद है इसी वजह है, वो जनता का कमाई है नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, घास रेट महंगा है, तेल महंगा है, मीठा तेल चावल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बेरोजगारी है, लोग फांसी लगा लगा के मर रहा है। अच्छे दिन आ रहे भाई, अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन बुरे दिन आ गए। मोदी कह रही है काला धन लाइए, कहाँ है काला धन बता मेरे को, काला धन कहाँ है? मोदी ने किया ना 16 लाख रुपए डालेंगे, किसके खाते में 16 लाख डाले? आज तक पैसे नहीं। मोदी से बड़ा झूठा कोई है ही नहीं, बता आप खुद बता। 56 मोदी, अरे 56 इनका 100 इनका भी होगा तो बेकार है भाई। मोदी कह रहा था 16 लाख रुपए डालेंगे, गरीबों को गरीबी हटाएंगे, कहाँ हटाइए गरीबी, कहाँ हटाइए गरीबी, 16 लाख कहाँ है आप बताओ? मोदी के मोदी कह रहा था 16 लाख देंगे, कहाँ है 16 लाख भाई? किसी को बता दो आप, 16 लाख डालेंगे, काला धन वापिस लाऊंगा, कल आया काला धन। तो लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है, बदलाव, राहुल की सरकार आएगी पूरी, पूरे मध्य प्रदेश में राहुल की सरकार आएगी। मोदी जो की तो सबका है, कमलनाथ सीएम बनेगा यहाँ पे, कमलनाथ सीएम बनेगा यहाँ, बीजेपी को गई, कमलनाथ बनेगा सीएम, कमलनाथ ही बनेगा। भाजपा कह रही है 160 सीटें जीत, नहीं अरे 130 भी नहीं लाएंगे, वो 120 भी नहीं लाएंगे, उन्होंने खुद फूट हो रही है बीजेपी में, बीजेपी में खुद फूट हो रही है बीजेपी के, एक आपस में लड़ना है। जोगी के वो मोदी कह रही है हम सीएम नहीं बनाएंगे मामा को, मोदी कह रही है मामा को सीएम नहीं बनाएंगे, ये बात सब में चल रही है। ये मोदी जो दे रहा है भाषण, बहनों भाइयों सुन लो कर लो, ये सब बेकार बातें हैं भाई। मोदी कह रही है हम काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन? हम गरीबों का किया, उनने 16 लाख रुपए डाली है, कहाँ है 16 लाख रुपए? टंकी कह रहे हैं मामा कह रहा है, मामा कह रहा है 450 की टंकी करी है, अब 100 लोगों में 50 लोगों को टंकी मिल रही है, 50 लोग परेशान हो रहे हैं। अब मामा टंकी लेने आते हैं, वो कहते ये लाओ वो लाओ जे लाओ, मामा चूतिया बनाने वाला काम कर रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, वो बनेगी, बनती रहेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी बराबर खत्म करो, खत्म करो, बहुत हो गई गुंडागर्दी बीजेपी की, अब कांग्रेस आना चाहिए और अच्छा विकास होना चाहिए। आरिफ मसूद को जानते हैं? आरिफ मसूद को बहुत अच्छे से जानते हो, पूरे शहर को चमन कराए, करते रहेंगे। अच्छा, तो आप लोग विधायक के काम हम सही करते हैं? विधायक हैं, बराबर काम हुआ है, और जहाँ फोन लगाते हैं वहाँ आ जाते हैं आरिफ मसूद साहब। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं सर? अरे बहुत शानदार काम कर रहा है आरिफ मसूद, क्या कर, इस बार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद ही आएगा बेहतरीन, डंगे की चोट पे। क्या कुछ काम हुआ है आप लोग का मोहल्ले? अरे बहुत काम कर रही है माशाल्लाह, पूरे लॉकडाउन पूरा खिलाया पिलाया लोगों को दिया उनने। किसके खास में डाल दिया? छोटी बात करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अभी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या अमिताभ बच्चन साहब ने क्या पूछा था, मुख्यमंत्री ऑप्शन रखे थे, सबसे झूठी घोषणा कौन कर रहा है? तो ऑप्शन में क्या आया था? शिवराज सिंह चौहान कर रहा है। अब यहीं से पता लगा लो ना आप भाई, गलत कौन है सही कौन है। मैं उस माध्यम में बात रखना चाहता हूँ भाई, अभी जो इस विषय में, इस कैंडिडेट में जो अभी काम चल रहा है, आरिफ मसूद साहब सबको सुन रहा है, बीच में आ रहा है, काम करते हैं, अपन कुछ जाए कुछ बोले उनसे, फौरन काम होता है अपना, सॉल्व होता है। अच्छा, ये बात है। क्या लग रहा है सर इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की बनेगी भाई, कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी जिंदा, कांग्रेस की बनेगी। क्या लग रहा है इस बार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस, कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? भाजपा को मौका दीजिए ना। आरिफ मसूद साहब काम अच्छा तो करना, अच्छा कर रहे हैं वो, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। साल में कोई काम बताइए जो आपके विधायक जी ने किया। अब आप देखिए रोल, देखिए आप रोल देखिए, भोपाल लगी देखिए आप, हमारा पूरी नाली बनवाई है उनने, सब काम करवाया उनने।
आप जाके दे सकते हैं आप। भाजपा कह रही है कि हमको मौका दीजिए इस बार फिर, हम तो आज वकील आज मसूद को वोट देंगे हम तो। हिंदू मुस्लिम के अलावा टाइम कहाँ मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम के अलावा टाइम कहाँ है उनके पास, हिंदू मुस्लिम के बाद टाइम कहाँ है उनके पास, हिंदू कर रहा है मुस्लिम कर रहा है। मोदी जो भी करता है हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं करता, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जितना वोट लेता मोदी बस, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं करता। आपस में सबका साथ सबका, मोदी मुसलमान, मोदी मोदी जो है किसी का ना विकास करता ना सबका साथ देता, मोदी को हिंदू और मुसलमान दिखता बस, और इसकी लड़ाई लड़ता मोदी, बाकी और कुछ की लड़ाई नहीं है मोदी के पास। अगर एक तरफ शिवराज मामा रहेंगे और एक तरफ कमलनाथ जी रहेंगे, मुख्यमंत्री किसको चुनेंगे? कमलनाथ, 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 कमलनाथ बनेंगे, कमलनाथ ही बनेंगे। कमलनाथ जी इज द बेस्ट मुख्यमंत्री एमपी सीएम आने वाले। अच्छा जी बिल्कुल, कमलनाथ के सिवा कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ। और इस वाइट से आरिफ मसूदी जीतेगा सिर्फ, इस वाइट में जो है आरिफ मसूदी जीतेगा इस वाइट से। को आरिफ मसूद ने वो काम करे, सारे नेता घरों में थे और आरिफ मसूद लॉकडाउन में अकेला बाहर था कोविड में, कितना वो काम करे। और आरिफ मसूद ने एक कैंटीन नहीं दस दस कैंटीन खोले थे गरीबों को, जो गरीब भूखे मर रहे थे वो आरिफ मसूद ने घरों में खाना बंटवाया। को हमने देखा, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, आरिफ मसूद ने घरों घरों के अंदर खाना बांटा लॉकडाउन के अंदर। नए भोपाल चले आओ आप, आपको नए भोपाल में भी आरिफ मसूद ने खाना बांटा है। तो उन्हें एक कैंटीन में खुलवाया वो भाई ने, उनने कम से कम 10 कैंटीन खुलवाए थे, वो पूरे लॉकडाउन के अंदर आरिफ मसूद अकेला चला है, चलता हुआ आया है, चलेगा। तो इस बार चुनाव में भी जीतेंगे, आरिफ मसूद की सीट कोई नहीं हराएगा। आरिफ मसूद को पूरी भोपाल पूरी दुनिया जानती है, और आरिफ मसूद सुनो वो विकास है। आप रात के 3 बजे उसके घर चले आप, पटियों में बैठे हुए मिलेगा वो आदमी। अगर आपके हुआ आरिफ मसूद मेरा ये काम है, आरिफ मसूद आधी रात के चल देता है, आरिफ मसूद वो आदमी है। वो बीजेपी का हुआ कोई भी हो, कांग्रेस का हुआ कोई भी हो, आरिफ मसूद इसका काम करता है। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, इस बार किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस सरकार बन रही है, बहुत भयानक बन रही है कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है बहुत दोनों से आ रही है, भाजपा कह रही है कि भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा तो बह गई गंदी नाली में, भाजपा तो बह गई गंदी नाली में, क्योंकि गंदे काम करे, अच्छे काम बिल्कुल नहीं करे। एक तरफा राज कराए, गुंडा राज कराए, हिंदू मुस्लिम कराए, मंदिर मस्जिद कराए, एक तरफा राज कराए, गुंडा गर्दी कराए, हिंदू मुस्लिम कराए, हमें ये खत्म करना है, हमें हमें भाईचारा रखना है, गुंडा गर्दी नहीं। नहीं तो गुंडा गर्दी अलग होती है, हमें सिर्फ भाईचारा करना है तो कांग्रेस लाना है। अभी जो रागी आई थी, अभी रागी के अंदर कम से कम आरिफ मसूद ने 35,000 रागी वाड़ी थी। कितनी वाड़ी थी? 35,000 रागी। उसने बहनों बेटियों को सबको 35,000 रागी मान के उन्हें आरिफ मसूद ने रागी मानी, लोगों के घरों पे खाना भी बेचता था वो आदमी, और अभी रागी भी मानी उनने। 30,000 से लगे 35,000 रागी बनवाए, मानी है उनने, बनवाई है, भेजाएंगे लोगों के पास, मगर आरिफ मसूद ही रहेगा। तो अभी हम लोग मध्य में खड़े हैं और आपके विधायक आरिफ मसूद हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 100 से भी ऊपर पॉइंट होते तो हम आरिफ मसूद को 100 से ऊपर देते। आरिफ मसूद का काम एक नंबर का काम है। जब लोग बॉडियाँ पड़ी थी तो सिर्फ आरिफ मसूद ने बॉडियों को ठिकाने लगाया। कोविड के टाइम पे लोग हाथ नहीं लगा रहे थे, आरिफ मसूद की टीम ने पूरा काम करा, कैंटीनें चलाई। तारीफ जितनी करो इतनी कम है उनके लिए, तो आरिफ मसूद की। अच्छा, तो अभी हम मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में हैं, भोपाल के मध्य विधानसभा में हैं। अब यहाँ से विधायक कांग्रेस के आरिफ मसूद हैं। अब यहाँ की जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि ऑल ओवर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, आपके अगला विधायक कौन बनने वाले हैं। जनता ने अपनी अपनी राय दे दी है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।